वाओ यार शिवम, तुम कितने अच्छे स्टंट्स मारते हो। सच में? हाँ, मैं तो कहती हूँ MBA वगैरह छोड़ो और स्टंट्स में अपना करियर बनाओ। हाँ यार सही कह रही है, मैं आज ही अपनी मम्मी से बात करूंगा। आओ तो मैं घर छोड़ दूँ। हाँ माँ सुनो। हाँ बेटा। माँ मैं MBA नहीं करना चाहता, मैं स्टंट करना चाहता हूँ। बेटा ये तू कैसी बातें कर रहा है, तेरी MBA की पढ़ाई पे पहले ही बहुत पैसा लग चुका है और तू अब कह रहा है मुझे स्टंट करना है। मेरी बात मान, तू पढ़ाई पे ध्यान दे और ये स्टंट वगैरह छोड़ दे। माँ देखो, पिछले सेमेस्टर में मेरे पहले ही 3 बैक आ चुकी है, मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, मेरा मन स्टंट में लगता है और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना करियर स्टंट में बना लूँगा। आप प्लीज़ भैया को समझाओ। ठीक है, एक बार तेरे भाई से भी बात कर ले। वो देख तेरा भाई भी आ गया। हाँ माँ क्या हुआ? डीकरो कह रहा है कि उसको MBA नहीं करनी, स्टंट करने हैं। क्या पागल वागल हो गया क्या? ये आवारा गर्दी लफंडरगिरी ये सब करेगा? अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे ले और ये स्टंट के सपने छोड़ दे अब। हाँ बड़ा है ना तू, इसलिए अपनी चला रहा है। तूने जो अपनी लाइफ में करना था तूने कर लिया, अब मेरी बराई तो अपनी चला रहा है। शिवम। माँ बस आपने इसे सर पर चढ़ा रखा है। और हाँ मेरे से ना थोड़ी नीचे आवाज में बात किया कर, तेरी सेमेस्टर में 3 बार बैक आ चुकी है तो अच्छा यही होगा जाके पढ़ ले और ये स्टंट के सपने अपने सर से निकाल दे। हाँ जाके रह और मार लेना, आज पापा ने तो इसलिए मेरे को मार रहा है, अगर पापा होते ना तो हाथ लगा के दिखाता। रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे बेटा क्या जरूरत थी आज उसको मारने की? यही बात तो उसको प्यार से भी तो समझा सकता था। और क्या ही गलत कहा उसने, तूने जो चाहा तूने वो किया, आज जब उसकी बारी आई है तो तू अपनी चला रहा है। माँ प्लीज अगर आपको उसकी तरफदारी करनी है तो मत ही करो, और वैसे भी ये स्टंट वगैरह कितने डेंजरस होते हैं, अगर उसको कुछ हो गया तो। और आपको याद ही होगा पापा का एक्सीडेंट। माँ ये सब मैं उसकी भलाई के लिए तो बोल रहा हूँ, ये बात आप भी समझो और उसे भी जाके समझाओ। बेटा सुन। क्या सुनूं? थप्पड़ मारा उसने मेरे, उसने जो करना था अपनी लाइफ में कर लिया, जब मेरी बारी आई तो अपनी चला रहा है। तो क्या हुआ अगर उसने तेरे को थप्पड़ मारा तो? तेरा बड़ा भाई है वो। वाह माँ वाह, एक तो उसने मुझे थप्पड़ मारा और ऊपर से उसकी तरफदारी कर रही हो। सही है माँ सही है, घर में पैसा कमा के देता है ना वो। बेटा बात पैसों की नहीं है, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। उससे फिक्र है तेरी, वो बोल रहा था पापा का एक्सीडेंट याद है ना? माँ पापा का स्टंट करते थे? नहीं ना माँ, जो होना होता है वो हो जाता है। जब मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ ही नहीं तो क्या फ़ायदा पढ़ के, कम से कम मैं जिस चीज़ में अच्छा हूँ मुझे वो तो करने दो। ये बात समझाओ उसे आप। चल ठीक है बेटा। बेटा सुन। माँ प्लीज अगर आप फिर से उसकी तरफदारी करने आई हो तो मत ही करना, और वैसे भी मेरे सर में दर्द हो रहा है, आप और सर में दर्द मत करो, जाओ यहाँ से। बेटा सुन। माँ नहीं माना ना वो, मुझे पता था ऐसा ही है वो। माँ छोड़ो आप। तुम इतने सैड क्यों हो आज? छोड़ो यार। अरे क्या हुआ बताओ तो। यार बड़े भाई ने साफ मना कर दिया कि तू स्टंट नहीं करेगा, अब बताओ मैं क्या करूं? तो तुम पढ़ाई में ध्यान दो। यार मेरे पिछले सेमेस्टर में 3 बार बैक आ चुकी है, जब मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगता तो मैं पढ़ाई क्यों करूं? वैसे ये बात तो है, तुम स्टंट्स बहुत अच्छे करते हो, तो इसी बात पे हो जाए। हो जाए।
वाओ, ऑसम, सच में यार तुम बहुत अच्छे स्टंट्स करते हो। हाँ जी मम्मी, हाँ आ रही हूँ बस। अच्छा यार तुम मुझे घर छोड़ दोगे? हाँ हाँ बैठो। अरे वाह सर, आपका भाई कितने अच्छे स्टंट करता है ना। ये फालतू की चीज है, इस पर ध्यान मत दिया कर। मम्मी, मम्मी। हाँ बेटा। दिख रहा कहाँ है? वो तो छत पे है। नहीं यार, मैं इस बार पार्ट नहीं ले पाऊंगा रे इसमें। चलें जैसे बात नहीं बात करता। ओए, बाइक की चाबी दे। क्यों? बाइक की चाबी दे। नहीं दे रहा। देख, प्यार से बोल रहा हूँ, बाइक की चाबी दे दे। मैंने भी कह दिया ना, बाइक की चाबी नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। शिवम। माँ, आप दूर हो जाओ। मैंने इससे कहा था ना, स्टंट नहीं करने तो नहीं करने, तो क्यों कर रहा है ये? और इससे बोलो मेरी बाइक की चाबी देगा। माँ आप ही से कह दो, मैं इसको बाइक की चाबी नहीं दूंगा। ओए सुन, अगर तुझे स्टंट ही करना है ना, तो अपनी कमाई की बाइक ले ले, क्योंकि ये जो बाइक है ना, मेरे पैसों की है, समझा तू? ले पकड़ अपनी चाबी। बेटा कहाँ जा रहा है? खाना तो खा के जा। माँ, ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा। माँ, अरे माँ डिकरो कहाँ है? अब आगे होश तुझे? अरे हाँ हाँ ठीक है माँ, बताओ ना डिकरो कहाँ है? नीचे ही होगा, जा देख ले। और सुन, अब उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई तू मेरी जान है। अरे मेरे छोटे भाई माफ कर दे यार, तेरा बड़ा भाई हूँ, गलती हो जाती है यार। तूने चाटा मारा था ना मेरे? ले तू भी मार ले थप्पड़, ले 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 इस हाथ से भी मार ले, बस खुश कर दे यार माफ। चलो फ्रैंक मत हो, काम बता क्या है। अच्छा तुझे स्टंट करने थे ना? हाँ। ये ले बाइक की चाबी, और हाँ ध्यान से स्टंट करने हैं और हेलमेट लगा के, ठीक है? ईश्वर अल्लाह जितने भी रब है। देखा, बोली थी ना मैंने, हो गया ना एक्सीडेंट। मेरी तो सुनता नहीं है, कितनी बार बोल बोल के पागल हो चुका हूं मैं, बस इसे अपनी चलानी होती है। अरे बेटा सुन तो सही, इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो तो गलती से इसकी बाइक राहुल की कार से टकरा गई, तो राहुल ने इसको बहुत मारा। क्या? राहुल ओए निकल बाहर। हाँ बोल, क्या हुआ? अबे ओ साले, तूने मेरे भाई के हाथ कैसे लगा दिया? बेटे जिंदा काट दूंगा अगर आज के बाद तूने इसको छू दिया तो, समझ गया? अगर तुझे तेरे भाई की इतनी फिक्र है ना, तो जो उसने मेरी गाड़ी ठोकी है उसके पैसे दे दे, और अपने भाई को बोल अपने घर पे रहे, ठीक है? ये ले तेरे पैसे,
और आज के बाद मुझे दिख मत जियो, नहीं तो जिंदा गाड़ दूंगा, समझ गया? समझ गया? अबे जा जा, निकल यहां से। ओए इधर इधर चला छोटे, और तू भी एक अच्छा सा हेलमेट खरीद ले ताकि ये चोट ना लगे। सबसे पहले तो ये बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना। और इसके चैनल शिवम डीकरो को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि अभी अभी इसने नया चैनल बनाया है और साइड में घंटा है उसे भी दबा दो ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हाँ गाइस, हर हफ्ते वीडियोस आती रहेंगी, आप सब्सक्राइब करके रखना ताकि वीडियो आप देख सको। और हाँ गाइस, हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो। और बाय बाय, हर हर महादेव।